हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ऑल इन वन ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आते हैं आप घूमने? पंचभीटा से। पंचभीटा से आई हो घूमने? अरे पंचभीटा से थोड़ा दूर तक दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस समय आदमपुर घाट पहुंच चुका हूं। ये आदमपुर घाट का गेट लगा हुआ है जाने के लिए। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूं। गंगा जी में आया हूं नहाने आज, यहां पे स्नान करने के लिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहां का, मज़ा आती है यहां पे। सुबह का वक्त है, मैं चला आया हूँ नहाने के यहाँ। मैंने कहा नहाते हैं हम। जलस्तर बहुत हो चुका है यहाँ का, हवा तो बहुत बढ़िया चल रही है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है। लोग नहा कहाँ रहे हैं लेकिन रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देख सकते हैं देसी नीम भी लगी हुई है, इसी की मैं टूथपेस्ट बनाया हुआ हूँ, जैतून जिसे बोलते हैं, इसे पूजा करूँगा। नेचुरल चीज़ है, ऋषि मुनि से करते चले आ रहे हैं, आज की डेट में सब कोई भूल चुका है। ये नेचुरल चीज़ है दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा मेरे, बहुत ही शानदार नज़ारा है, अच्छा भी लगता है यहाँ पे। ये भोले जी का मंदिर बना हुआ है पीछे, ज़्यादा लोग तो नहीं आए यहाँ पे अभी क्योंकि सुबह का वक्त है। इस समय मैं गंगा जी के बीच में घुस आया हूँ, नहा रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। भाई फ्रेंड नहा रहे हैं हमारे, ऐसा लग रहा है भाई लोग, ये लग रहा है ना मेरी वीडियो जब YouTube पे आएगी आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए गंगा जी का पार्ट बहुत ज्यादा है जैसा आप देख सकते हैं, और कुछ भी इतना ज्यादा कि मनुष्य नहीं, लोग भी यहाँ पे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खूब, पानी में घुस के, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग नहा चुके हैं। अब कुछ हमारे मित्र जो अभी कपड़े नहीं पहने हुए, देखिए जा रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए दूसरी जगह। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं, अभी आप पहली बार आए हैं, और ये वर्ल्ड भी है और सब कुछ भी बोले अच्छा लगता है कहने का। ऐसे ही बंदे होना चाहिए जैसे ये लोग हैं, एक नंबर बोलते हैं, मजा आती भाई, भाई के साथ ठीक है। देखिए दोस्त लोग यहाँ पे नहा धो के बढ़िया एंजॉय ले चुके हैं, जैसा आप देख रहे हैं एंजॉय। A few moments later. दोस्तों आज मैं फतेहपुर के आदमपुर घाट से कुछ दूर पहले आया हुआ हूँ। एक पार्क है यहाँ पे बना हुआ है बुधैयापुर के पास, बहुत ही अच्छा सुंदर पार्क बना हुआ है। आज मैंने कहा यहाँ घूम के थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पार्क बहुत ही अच्छा है, और ये चिल्ड्रन पार्क है, छोटे बच्चे और बड़े लोग भी आते हैं यहाँ पे। एक गाँव में बना हुआ है ये पार्क, बच्चों के खेलने की यहाँ पे फुल व्यवस्था है। यहाँ पे ज़्यादा कोई अभी ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं बच्चे, एक आध लोग दिख रहे हैं खाली। और मैं चला आया हूँ, बहुत जल्द आ गया था यहाँ पे घूमने, तो मैंने कहा देखता हूँ घूम के यहाँ कौन कौन लोग आते जाते हैं। बहुत ही खैर अच्छा लगता है, यहाँ पर खुला है एकदम वातावरण, खुला है बढ़िया, एक नंबर। फतेहपुर से सभी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने टहलने इंजॉय करने। जैसा देखो छोटी बच्ची झूल रही है, कैसा लग रहा है बेटा झूल के यहाँ पर?
अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आते हैं आप घूमने? पंचभीटा से। पंचभीटा से आई हो घूमने? अरे पंचभीटा से थोड़ा दूर पे पड़ता है, 1-2 किलोमीटर पे, वहाँ से बच्ची आई है घूमने, बोला बहुत अच्छा लगता है। इन खम्भों में छोटे बच्चे बड़े बच्चे आके अपना फिजिकल करते हैं, लटकते हैं आके। यहाँ पे बारिश हुई थी कल, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तभी आज बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो बच्चे लोग कुओं को खेलने में अभी प्रॉब्लम आई कि इसलिए शायद बच्चे नहीं आ रहे हैं आज, ना ही आज कोई आया है ज़्यादा लोग। हम ही लोग चले आए यहाँ पे, झूला भी है यहाँ पे, आइए थोड़ा इसका मज़ा हम भी ले लेते हैं आज झूले का। छोटे बच्चे का झूला है, मैं झूल रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे झूल के, यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अमृत सरोवर हसनापुर सैनी, ये इसका नाम है गांव का, यहीं पे ये पार्क बना हुआ है, यहीं पे ये मंदिर बना हुआ है, तालाब बना हुआ है यहाँ पे। घाट भी बना है, अच्छा घाट बना हुआ है। भोले जी का यहाँ पे दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है, देख सकते हैं आप, अच्छा मंदिर बना हुआ है। एक, 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 एक,